वेल वेल वेल, कैसा रहा आज का बाजार? पहले तो ये बताओ, कल की वीडियो देखी नहीं? देखी, डर लग रहा है बाजार में अभी भी? भाई मेरे हिसाब से अगर आप मेरे साथ हो, मेरे साथ रहना चाहते हो तो डरना मना है। मैं कभी भी बाजार में ना डरता हूँ ना डराता हूँ। और कल का वीडियो मैंने इसलिए आप लोगों को स्पेशली बताया था कि भाई ये डर्टी फैक्ट्स है मार्केट के, बाजार बड़ा गंदा है। बाजार को चलाने वाले कोई और है, खेलने वाली कठपुतलियां हम लोग हैं। हम तो लोग सिर्फ कठपुतली की तरह उनके काम आ रहे हैं। वो जैसा चाहते हैं हमें नचा देते हैं। कौन है वो लोग? FIIs, FPIs, पॉलिटिकल पार्टीज और अमेरिका, चाइना, US, सब मिलके वाले। उनका खेल जो है ना, ये खेल सारा स्टॉक मार्केट से शुरू होता है, स्टॉक मार्केट पे खत्म होता है। दुनिया की एकमात्र जगह स्टॉक मार्केट है जहां पे अरबों खरबों रुपया पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स को मिला के अरबों खरबों रुपया एक सेकंड में इधर से उधर चला जाता है। और हर देश में, जैसे इंडिया में पी नोट्स एप्लीकेबल है, हो सकता है चाइना में भी होंगे। अगर रिसर्च करने की कोशिश करेंगे, ये भी रिसर्च आपके लिए करके लेके आऊंगा, क्या दूसरी कंट्रीज में भी ऐसे पी नोट्स अवेलेबल होते हैं क्या? जैसे मैंने आप कल आपको गाइड किया था, क्या कल आपको समझाया था, आपको याद होगा। अगर ऐसे पी नोट्स दूसरी कंट्रीज में भी हैं तो समझ लीजिए ये बहुत ही बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ा गेम है। आप इससे कभी नहीं जीत सकते। इससे जीतने और जीतने की बजाय मेरे हिसाब से इस गेम के साथ रहना बेहतर रहेगा, है ना। मैं इतने सालों से बाजार को सिर्फ एक नंबर गेम क्यों कहता आ रहा हूँ? मेरा स्टॉक्स पाठशाला जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी लोगो मैंने क्या रखा है? स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। मैं हर आदमी को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, जो बड़े बुजुर्ग आते हैं मेरे साथ सीखने के लिए, जो हाउसवाइफ्स आती हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज जस्ट अ नंबर गेम। मुझे अफसोस होता है कि अगर कुछ लोग इस बात को पूरे अच्छे से समझ नहीं पाते और वहाँ पे वो ये ढूंढने बैठ जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर काम आने वाला है। गाइस, एकमात्र इंडिकेटर जो आपके काम आने वाला है वो है ये, आपका खुद का दिमाग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाजार क्या रहा, कैसा गेम खेला FIIs ने और FPIs ने और बाकी लोगों ने मिलके, क्या साइड टेंशंस खत्म हो गई, क्या यूक्रेन और अपना रशिया के बीच में समझौता हो गया, क्या फाइनल उसके ऊपर अप्रूवल लग गई, क्या हुआ ऐसा बाजार में कि बैंक निफ्टी 3.5% भाग गई, निफ्टी 3% भाग गई, क्या बाजार को सब चीजें सही समझ में आ रही है? हमेशा से एक चीज कही जाती है कि मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मतलब बाजार जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ऐसा क्यों? क्या बाजार के आंख कान नाक है? क्या उसके पास ये इंद्रियां हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं जैसे हमारे पास हैं? नहीं, ये बाजार को चलाने वाले लोग जानते हैं, इसलिए कहा जाता है मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना हार्ड अर्न मनी बेवजह बिना सीखे ऑप्शंस को ट्रेड करके बर्बाद मत कीजिए। लिवरेज तब लीजिए जब आपको काम करना आ जाए, जब आपके पास टाइम हो तो दुनिया भर के लिवरेज उठाइए, कोई टेंशन नहीं है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, US में, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना मिलियन मिलियन बिलियन बिलियन के फंड दे देते हैं ट्रेड करने के लिए। और किस पार्टनरशिप्स के ऊपर है? 70-30, 80-20, 90-10, मतलब 90% आपका ट्रेड करो, पैसा बनाओ, ले जाओ। मार्जिन उनका, काम करने की कला होनी चाहिए। ट्रेडिंग इज एन आर्ट, स्किल है भाई। स्किल किसके लिए है? जिसको ये आर्ट मालूम है। पहली बात तो समझ आइए कि बाजार के किसी भी हिकअप से डरना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना बहुत सारे स्पार्क से, किसी भी डाउनफॉल से आपको डरना नहीं है। आपको ये समझना है कि बाजार के सपोर्ट क्या है। कल हमने क्या किया था, चलो उसके ऊपर चलते हैं, एक चार्ट खोलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कल हमने क्या मार्क किया था। चल निफ्टी के ऊपर चलते हैं, क्या निफ्टी का चार्ट हमारे पास लोड है क्या, देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, शायद नहीं है। गाइस, हमने कल बहुत ही क्लियरली एक चीज डिस्कशन की थी कि भाई बाजार में क्या हो सकता है। सब चीजें डिलीट हो गई है, कोई बात नहीं। कल हमने जब डेली चार्ट के ऊपर में निफ्टी को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे तो यहां पर हमारे सामने क्या निकल के आया था? यहां हमने क्लियरली एक सपोर्ट को मार्क किया था। मैंने आपको कहा था प्लीज एक सपोर्ट को मार्क कीजिए। क्या सपोर्ट को मार्क करेंगे? देखिए, ये क्लोजिंग थी 16,800 के आसपास की। इसको उठाते हैं, यहां मार्क कर देते हैं, हमने मार्क कर दिया है, इसको डार्क कर देते हैं। यही हमने कल डिस्कशन किया था। मैंने आपको कहा था बाजार अपने एक सपोर्ट को हिट कर रहा है, इतनी खतरनाक रेड कैंडल। यूक्रेन रशिया का टेंशन, ये वो सब चीज़ों के परते मैंने कल उतार दी हैं और कल मैंने आप लोगों की साइकोलॉजी को आई होप थोड़ा सा पॉजिटिव कर पाया हूँगा। मैंने आपको कल कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद एक मेजर सपोर्ट, आप देखिए सपोर्ट के नीचे एक बार निफ्टी की थी 16,400 तक, वहाँ से एक बाउंस बैक हुआ था, बहुत ज़बरदस्त बाउंस बैक हुआ था, अच्छी खासी रैली आई थी। तो क्या आप ये नहीं समझ सकते कि ये इंपॉर्टेंट जोन है? किसी भी न्यूज़ के लिए, किसी भी फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट जोन है।
क्या सरकारें, क्या वर्ल्ड दोबारा से किसी वर्ल्ड वॉर को झेल पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले ही कोविड की वजह से हम इतना ज्यादा इन्फ्लेशन झेल रहे हैं, इन्फ्लेशन के लिए मनी मार्केट ऑपरेशंस होंगे, बैंकिंग ऑपरेशंस होंगे, मैंने आपको कहा था बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स के ऑपरेशंस होंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाएंगे, एफडीज के रेट्स बढ़ जाएंगे, डेट में आपको यील्ड फालतू मिलने लग जाएगी। तो क्या होगा, इक्विटी से पैसा शिफ्ट होके, पूरा पैसा कभी शिफ्ट नहीं हुआ, बट हाँ फ्रैक्शन ऑफ मनी विल बी शिफ्टेड फ्रॉम इक्विटी टू द डेट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, मार्केट का गेम यही है। अब क्या हुआ, क्या रातों रात अगर हम देखने की कोशिश करें गोल्ड में क्या हो गया भैया, रातों रात गोल्ड अच्छा नहीं लग रहा, रातों रात क्रूड ऑयल अच्छा नहीं लग रहा, क्या क्रूड ऑयल ने हमने हाई बना दिया है? अब समझने वाली बात है, ये सीखने समझने वाली बात है कि बाजार में डरना नहीं है। अब क्या गेम समझ में आता है ये समझ लीजिए बहुत ही क्लियरली। अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का चार्ट बहुत ही क्लियरली एक रेजिस्टेंस के आसपास आ गया 17,360 के आसपास। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद हम 17,600 के आसपास अटकेंगे, 17,600 अगर पार हो जाता है फिर हम अटकेंगे 17,780 के आसपास। ये लेवल जिससे निकल जाएंगे उसके बाद बाजार में एक रैली आ जाएगी, और यहाँ पे बहुत ही क्लियरली अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है तो ये एक ब्रेकआउट होगा यहां से, गाइस समझ लीजिए यहां से। चलिए देखते हैं कुछ आपके लिए मिलता है क्या। जी हाँ, यहां से अगर ये निफ्टी चलती है तो यहां से एक ब्रेकआउट होगा, समझ लीजिए। इसके ऊपर क्लोजिंग आई, कब क्लोजिंग आएगी? 17,400 के ऊपर में। मेरे बहुत ही क्लियर लेवल से आपको याद होना चाहिए 17,025 के लेवल थे, 17,025 के नीचे 16,700-800 तक के लेवल थे, वो क्रॉस हुए 17,025 के ऊपर। जैसे ही बाजार चला 17,025 के ऊपर, जैसे ही बाजार आज चला, देखिए 17,025 के आसपास की अगर हम इस जोन को पकड़ लेते हैं, 17,000 ये इस लेवल को पकड़ लेते हैं, ये लेवल देखिए, ये लेवल, ठीक है ना, ये हमारा जो जोन है 17,025 और 17,200 के बीच का जो जोन है, इस जोन को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, चलिए ये उठा लेते हैं, ये हमारा जोन, बस ये जोन को मार्क कर लीजिए। इस जोन से नीचे बाजार नहीं गया, जोन से ऊपर नीचे ऊपर निकलते ही बाजार में अच्छी खासी एक स्पार्क आपको देखने को मिली। यहां से जैसे ही बाजार चला आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। अब क्या करेंगे, अब यहां पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 17,292 रुपए का। कितना? 17,292 रुपए का। तो आपको 17,292 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये लिख लीजिए, मैंने आपके लिए लिख दिया है। कल को आप बोले भाई लिखा नहीं था तो लिख दिया आपके लिए, कलर जो मर्जी कर लेना। इसके बाद 17,292 के नीचे बाजार चलेगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देखना होगा, जिस समय इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस टाइम FIIs का डेटा नहीं आया, पर देखना होगा आज क्या हुआ। आज अगर FIIs ने जम के बाइंग करी तो समझ लीजिए हमें हिंट मिलती दिखाई दे रही है कि ये जो गेम है द डर्टी गेम ऑफ स्टॉक मार्केट इज रियली रियली एक्टिव। तो कहने का मतलब है कल 14 फरवरी को 4,253 करोड़ की सेलिंग की गई थी, अच्छी खासी सेलिंग की गई थी। तो यहाँ पे क्या ऐसा हो सकता है कि आज अच्छी खासी बाइंग दिखने को मिले? गाइज इसको देखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो को बाद में देख रहे हो तो। आप मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी मेरी तरह डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, क्या आप भी ये सभी डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे हैं, ऑप्शन चेन स्टडी कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस में FIIs का डेटा डेली आप देख रहे हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या आप यहाँ पे कभी एक सबसे पावरफुल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो मैं आपको हमेशा से कहता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्या आप उसको अप्लाई करते हैं? अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो क्या आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी का सपोर्ट क्या है? क्या आप सपोर्ट निफ्टी के यहाँ मार करते हैं? निफ्टी का 40 का इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो निफ्टी बार बार अभी मैनेज कर रही है। ये देखिए निफ्टी का RSI 40 एक अच्छा खासा सपोर्ट है जिसको इसने मेंटेन किया। अब लोग कहेंगे यार 40 तो अब बनाए, अब होने के बाद बता रहे हो, मैंने होने से पहले RSI लगाया ही नहीं था, मुझे मालूम है उसने अपने सपोर्ट से ही यूटर्न लिया हुआ था, सपोर्ट से यूटर्न लिया। अब ये सपोर्ट ही इसका स्टॉप लॉस रहेगा, तो दिस सपोर्ट 16,800 will be the major support for the complete month. अब यहां से अगर निफ्टी समझ लीजिए अगर ये अपनी चाल चल पड़ी है तो मेरे हिसाब से ये जो डाउनफॉल था एक खत्म होने की कगार में आ सकता है अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी हमें सपोर्ट कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट गाइस 16,800 रुपए, जिसको अभी निफ्टी ने अच्छा खासा मैनेज किया है, मेंटेन किया है। चौतरफा बाइंग शायद देखने को मिली है, सभी सेक्टर्स को अगर देखने की कोशिश करें तो देख लीजिए, बैंक में 3.5% की बाइंग आई है, निफ्टी मेटल्स में 2% की उछाल देखने मिली, फार्मा में 0.79%, निफ्टी IT 3% बढ़ा, FMCG 2%, रियलिटी 3%, इंफ्रा 3%, कमोडिटीज 2%, एनर्जी 2% और ऑटो में 4% की छलांग रही। कल जहां बाजार हाहाकार में था, ब्लड बाथ ऑन दी दलाल स्ट्रीट वर दी न्यूज ऑल ओवर दी काउंटर्स, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं सब कर रहे थे मर गए भाग जाओ भाग जाओ भागो भैया आंधी आई। कहाँ है वो आंधी, कहाँ गई वो?
आज के दिन में 16,800 से 17,400 मतलब 600 पॉइंट्स की निफ्टी की रिकवरी करी हुई। इमेजिन दैट, एक दिन में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 3% का उछाल निफ्टी में एक दिन में। ऐसे कौन से ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए? गाइस मैं कमेंट्स में आपकी वेट करूंगा कि ऐसा क्या रहा। मैं आपको फिर से ये कहना चाहूंगा कि प्लीज डरे नहीं, डटे रहें। वो इंसान नहीं डरेगा जो अपने पैसे से काम कर रहा है, ठीक है ना। लाख का मार्जिन अगर 80,000 रह जाएगा क्या फर्क पड़ता है 20% मार्केट टूट भी गई तो? भाई बाजार चलेगा, अगर हम बाजार में लंबे टाइम के लिए आए हैं तो हमारा 1,00,000 को 2,00,000 कन्वर्ट होने में भी टाइम नहीं लगने वाला है। कोई भी एक अच्छा शेयर हमारे रिटर्न्स को बढ़ा देगा वापस, है ना। बट अगर मार्जिन लेके काम कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में काम कर रहे हैं, बिना सीखे समझे बेवजह की ट्रेड कर रहे हैं, ये नहीं मालूम है कौन सी ऑप्शन में काम करना है, बट है ना, किसी ने कहा था, दोस्त ने, भाई ने कहा था, करना है तो करना है। तो भैया नुकसान के जिम्मेदार आप हो, कुल्हाड़ी आप पाँव पे नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी रख के उसके ऊपर जोर से पाँव आप पटक रहे हो। ऑप्शंस एक दोधारी तलवार है जो जाएगी भी काटेगी, आएगी भी काटेगी, अगर आप उसको चलाना नहीं जानते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले इस गेम को सीखिए। बहुत जल्दी मास्टर क्लासेस अनाउंस होने वाली हैं, दिल्ली में सबसे पहले क्लास होने वाली है। जो भी सीखना चाहते हैं हमारे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। तो जब भी क्लासेस होंगे आपको इस अनाउंसमेंट को दे दिया जाएगा। तो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा ही करूंगा, साथ में इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर भी अनाउंसमेंट रहेगी। तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए। ऐसे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है। निफ्टी के लेवल्स आपको दे दिए, मार्केट के लेवल्स आपको दे दिए, इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। बट ये समझ लीजिए कि बाजार ठीक है, बाजार कभी भी खराब नहीं होता। ऑल करेक्शंस आर गुड फॉर यू एंड मी, करेक्शंस एंड क्रैशेस आर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, बिलीव ऑन दैट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।